प्रत्याशियों के संदर्भ में, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि करेला नीम चढ़ा है कांग्रेस? देखिए, अलीगढ़ की जनता ने यह तय कर लिया है कि जात पात से ऊपर उठकर अब की वोटिंग होने जा रही है और गठबंधन का प्रत्याशी बहुत ज्यादा अंतरों से जीतने जा रहा है। आप देखिएगा परिणाम, परिणाम 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 जनता तय करती है और जनता यह निर्णय ले चुकी है कि गठबंधन प्रत्याशी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ये जनता के बारे में ये जो दावा है कि इनको जनता के मन का पता है और जनता फैसला ले चुकी है, बात सही है कि नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो कहा अभी राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि 8,500 आएंगे, खटाखट आएंगे, एक झटके में गरीबी दूर हो जाएगी, आज वो डिनाई कर रहे हैं एक झटके में नहीं दूर हो सकती। देखिए देखिए, जो 10 साल के इस भाजपा की सरकार में जितना बड़ा बड़ा गड्ढा जो 70 साल में देश की आजादी में नहीं हुआ ना, वो 10 साल में हो गया, उसे भरने में समय तो लगेगा। ये बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, 70 साल में जो किया गया था उसमें गड्ढा बन गया 10 साल का, इससे उभरने में टाइम लगेगा, ये कहा जा रहा है अशोक पांडे जी? देखिए, 70 साल का गड्ढा भरने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक 5 साल जो आने वाले हैं, ये 5 साल मोदी जी के स्वर्णिम 5 साल होंगे और इस देश के विकास को एक नई धारा मिलेगी। ये तो कह रहे हैं जनता मन बना चुकी है, इनको जनता के मन का पता है? नहीं, जनता का मन तो आप ये देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ दोनों पार्टियां जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, हाथी वाले भी जय श्री राम के, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए? ये बात बताइए कि अगर दोनों जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और इसको वोट के हिसाब से देखा जाएगा तो वोट बट तो नहीं जाएंगे? कहीं वोट नहीं बट रहा, वोट मोदी के साथ है, देश मोदी के साथ है, पूरा देश मोदी के साथ है। तो अगर देश मोदी के साथ है विनोद सविता जी, तो ये विनोद सविता जी अगर देश मोदी के साथ है तो ये दावा कैसे किया जा रहा है कि एनडीए को पीडीए हरा देगा? विनोद सविता नहीं, आप बोलिए बोलिए, वो तो नारे लगते रहेंगे। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 500 वर्ष के बाद राम मंदिर का पहली बार त्योहार मनना है, और हमारे साथी उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह जी ने कहा कि 500 वर्ष के बाद पहली बार राम मंदिर का त्योहार मनना है। मैं जानकारी देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी और हमारे बगल में बैठे हुए मंत्री जी के, 500 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष से हिंदुस्तान में राम मंदिर का त्योहार मनाया जा रहा है। या तो प्रधानमंत्री का ज्ञान कम है या श्री रघुराज सिंह जी का ज्ञान कम है, उन्हें जानकारी नहीं है कि राम नवमी का त्योहार हजारों वर्ष से हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज एक बात और कही गई, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक बात कही, मैं आपको बता, यहाँ तो रामनवमी हमेशा से मनाई जाती रही है, राम मंदिर हमेशा से रहे, तो इस बार की रामनवमी खास है या हमेशा की तरह है, ये मैं आप लोगों के बीच आऊंगा और जानूंगा। लेकिन उससे पहले हितेंद्र उपाध्याय आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ये नेता कैसे? हितेंद्र उपाध्याय आपसे सवाल है, प्लीज जल्दी से अपनी बात कहिए, आप बीजेपी के साथ थे, ये नीला दुपट्टा कैसे? देखिए, मैं सदैव प्रत्येक अपने अलीगढ़वासी के साथ था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो बीजेपी के साथ थे कि नहीं थे? मैं कभी भाजपा के साथ नहीं रहा, ये लोगों का इल्जाम है मेरे ऊपर किसी का करीबी होना किसी पार्टी के साथ जाने के बराबर नहीं होता है। स्वयं उन लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने स्वयं बयान दिए कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा है, मैंने कबूल किया, मुझे तो हर इल्जाम कबूल है, तुम जितना लगाओगे मैं उतना ही तुम्हें एक बात ये जानना चाहता हूं, साफ सुथरा निकलूंगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट डिवाइड करने के लिए आप खड़े हो गए हैं, क्या ये बात सही है? अगर देखिए, जिन लोगों का ज्ञान कम है उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट डिवाइड करना होता दो काम कैसे हो सकते हैं, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी का वोट डिवाइड कर रहा हूं, तो कहां लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं क्या हूं? हूं नहीं थे, नहीं नहीं भैया, या तो अगर भारतीय जनता पार्टी का था तो मैं उसका वोट डिवाइड करने क्यों आऊंगा? हां तो वहां से टिकट नहीं मिला इसलिए इधर आ गए आप। भाई साहब, कोई व्यक्ति ये दावा कर दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था तो मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। अच्छा, तो ये डॉक्टर रघुराज, यहाँ पर बसपा आपकी मदद करेगी या आपके लिए बड़ा चैलेंज है ये?
देखिए हमें किस हाँ बोलिए बोलिए आवाज आ रही है आपकी। कोई नहीं है टक्कर में, कौन किसके खिलाफ टक्कर में नहीं जाऊं जानूंगा आपके पास आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आ रहा हूं। रघुराज जी अपनी बात पूरी कीजिए, वो नारे लगते रहेंगे, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज 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 अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ऐसे सुनाई नहीं देगा, नहीं कोई बात नहीं आप कहिए, टेलीविजन पे जा रही है आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय सुन लो एक मिनट से, अरे एक मिनट सुन लो। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी, विश्व में नाम रोशन किया है, विश्व में नाम रोशन किया है, विश्व में नाम रोशन किया है। आज मोदी जी जैसा नेता विपक्ष के पास एक के पास नहीं है, एक के पास भी कोई नेता बता दे मोदी जैसा नेता किसी के पास नहीं है। आज विश्व जो है नतमस्तक है मोदी के पास, आज 78% उनका आज रेटिंग लिस्ट है 78%, विश्व में कोई नेता नहीं है उनके आगे, इसलिए मोदी ही है और मोदी जीतेगा। मोदी जैसा नेता किसी के पास नहीं है, वो लोकल लेवल पे जो इक्वेशन चल रहा है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी है उधर, सब समझ जाएगा। जरा मैं समझना चाहता हूँ, क्या यहाँ की जनता जो डॉक्टर रघुराज कह रहे हैं उसको सब्सक्राइब करती है क्या? कोई नहीं, अब कहीं बीजेपी सरकार खत्म 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 खत्म, बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म। देखिए बीजेपी वो नफरत का पेड़ है, इसका उखड़ना बहुत जरूरी है। बीजेपी इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, बीजेपी नहीं आ रही, इंडिया गठबंधन, इस बार गठबंधन की सरकार। ये नावेद साहब है यहाँ, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मैं आऊंगा आपके पास। मायावती मायावती मायावती, इंडिया गठबंधन, 4 जून 400 पार, 400 पार। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में सरकार बनने जा रही है, पूरे विश्व के अंदर मोदी मोदी के नाम के गूंजों से। पहले यूपी जो है, पहले की जो सरकार रहती यूपी में प्रताड़ित हुआ करता था व्यक्ति, और पक्षपात की सरकार है, व्यक्ति विशेष की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज जो है यू का मतलब है देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। मोदी मोदी आपकी बात 400 पार, मोदी साहब। एक अगर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सारी फिल्में हिट नहीं होती, अगर मोदी का चेहरा लगा के गलत आदमी को यहाँ सांसद का टिकट दिया जाएगा भारी बहुमत से विरोध। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, तीसरी बार सत्ता में ना आ रहे। अलीगढ़ के लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम हमेशा अलीगढ़ की जनता के साथ हैं, रहेंगे, और 400 पार का हमारा क्या? चंडीगढ़ जैसे ही, जैसे चंडीगढ़ में उन्होंने किया है, वैसे ही 400 पार लाएंगे क्या? ये कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने बीजेपी के लोग हैं ना, इनमें आधे कह रहे हैं कि भैया आपकी बार सतीश गौतम को हरा। ये एक बात कही जा रही है, इसका जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे अशोक पांडे जी। एक बात ये कही गई कि अगर गलत आदमी को टिकट दिया जाएगा तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हर फिल्म हिट नहीं कराई जा सकती, जवाब आप? नहीं, मैं इनसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, गलत व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए। जो व्यक्ति सनातन की बात करे, ये धर्मयुद्ध है, और इस धर्मयुद्ध में जो धर्म के साथ खड़ा है उसे जीतना चाहिए, और वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे पुनः, और सनातन का युग है, राम मंदिर बना है, और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो हमारी पीढ़ी देख रही है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं जरा हितेंद्र जी आपसे भी जानना चाहूंगा। हितेंद्र जी एक बात कही जा रही है, वो आपके समर्थक है निश्चित रूप से, वो कह रहे हैं कि अगर सही आदमी को टिकट नहीं दिया जाएगा तो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर पिक्चर हिट नहीं हो सकती, वो ये कह रहे हैं। मतलब अगर आप जो कह रहे थे ना, कोई दावा कर दे टिकट के लिए अगर मैं गया हूँ, तो एक तरीके से वो दावा है आपका कि आप टिकट जा रहे थे? टिकट के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे थे, टिकट के लिए। अरे मेरे छोटे भाइयों रुक जाओ, अरे मेरे छोटे भाइयों मान जाओ। देखो अलीगढ़ की जनता, अलीगढ़ की जनता